बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको नया पे के अकाउंट बनाने का तरीका भी हम सिखाएंगे। जाएंगे आप प्ले स्टोर पे, आपके स्क्रीन पे आपको प्ले स्टोर नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम ऊपर सर्च में नया पे सर्च देंगे। नया पे लिखने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। नया पे का अकाउंट इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही नया पे का अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो हम यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेट सपोज मेरा नाम इकराम है और तो मैं अपने नेम और आईडी यहाँ पे पुट कर लूँगा। ईमेल आईडी पुट करने के बाद ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं अपनी दूसरी आईडी यहाँ पे चेक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फ़ोन नंबर का ऑप्शन आता है। यही फ़ोन नंबर आपका अकाउंट नंबर भी होगा, सो आप अपना फ़ोन नंबर इसमें देंगे। अच्छा, ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें अपना दूसरा नंबर डायल करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ओटीपी की तरफ हम जाएंगे। हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा और वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। नए पे आईडी के लिए एक सजेशन ये है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो यही लिख लें और उसमें @gmail.com जो है वो हटा दें, बाकी सारा वही लिख लें, ताकि आपका जीमेल का और नए पे का अकाउंट सेम ही रहे। पासवर्ड जो है वो पासवर्ड में आप पहला वर्ड कैपिटल लिखें और उसके बाद आप कोई आसान सा पासवर्ड बनाएं और उसको आगे प्रोसीड कर लें। नेक्स्ट करने के बाद आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करने का मकसद ये है कि आप यहाँ से जितनी भी पेमेंट्स की सर्विसेज हैं वो यहाँ से आप ले सकेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस देंगे, हाउस नंबर जो भी है आपका, चूँकि उस पर आपको कार्ड्स रिसीव होंगे, डेबिट कार्ड्स है वो रिसीव होंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, यहाँ पे आपके पास सेल्फी का ऑप्शन आएगा। आप एक सेल्फी ले लेंगे और उसके बाद आपका स्कैन करेंगे आईडी कार्ड अपना, और जैसे आपकी आईडी कार्ड के स्कैन्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पास ऐसा स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पे अभी मेरा चूँकि आईडी कार्ड स्कैन नहीं हुआ तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको फिर जैसे ही अपना आईडी कार्ड स्कैन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप जो है ना वेट करें, आपका अकाउंट अप्रूवल स्टेज में चला गया। अप्रूवल हो जाने के बाद आपको अकाउंट जो है यहाँ पे नज़र आ रहा। अप्रूवल के बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस यहाँ पे बैलेंस जरूर शो हो रहा होगा और काफ़ी सारे आइकन्स आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे जो स्टॉम फाइबर का आइकन है, यहाँ से आप स्टॉम फाइबर के बिलिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड पे मैं अपना नंबर मैंशन कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।